स्मार्ट फिल्म्स प्रोडक्शन प्रेजेंट करता है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित रश्मि रथी। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को बड़ खुद विपत्ति पर छाने को है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पानी पत्थर बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बलती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अधंड आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरिया जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझमें लय है यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमें लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझमें संघार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परित बंद को घेरे हैं मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर, दृघ हो तो दृश्य अकांड देख मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जगशर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने हा हा दुर्योधन बांधिने, भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है पहचान कहाँ इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा में कड़ती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर, बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है वो मुझे बांध कर सकता है, हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वही प्रखर, फड़शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा,
दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे विषबाण बूंद के छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना घाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय।